लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बेटा शरवण जी। बापू, सरयू नदी का किनारा आ गया है ना? हाँ बापू। ठंडी ठंडी हवा के झोंके आ रहे हैं। श्रवण बेटा, ये सरयू नदी का किनारा ही है ना? हाँ माँ। बेटा अब कुछ देर विश्राम कर ले। आपको काशी के गंगा तट तक पहुंचा दूं तभी विश्राम करूंगा बापू। नहीं बेटा, कुछ देर यही रुक जा। हमें प्यास भी लगी है, एक घड़ा पानी नदी से जाके ले आ बेटा। जो आ गया बापू। माँ मैं अभी पानी लेकर आता हूँ। बेटा शीघ्र आना। तू चिंता मत कर माँ, मैं शीघ्र आ जाऊंगा। अच्छा बेटा। आज ऐसे ऐसे विलैने पशुओं का शिकार किया हमने जिन्हें आज से पहले हमने कभी देखा भी नहीं था। जो सिंह जैसा दिखाई दे रहा था वो सिंह नहीं था, चीतल भी चीतल जैसा नहीं था। हाँ महाराज, ये सरयू नदी का वन ऐसे विचित्र प्राणियों से भरा पड़ा है। अयोध्या के मार्ग में और भी ना जाने कैसे कैसे विचित्र प्राणी मिलेंगे। ये विचित्र ध्वनि कैसी आ रही है नदी की तरफ से? लगता है विशालकाय जंगली हाथी पानी पी रहा है। हाँ महाराज वही है, ऐसी गड़गड़ाहट की ध्वनि सूंड में पानी भरने से ही होती है। तब तो हमें एक और शिकार मिल गया मंत्री जी। आज तक हमने जंगली हाथी का शिकार कभी नहीं किया। परंतु महाराज, शास्त्रों में कहा गया है कि किसी भी राजा को हाथी का शिकार नहीं करना चाहिए। ये साधारण हाथी नहीं है मंत्री जी, जंगली हाथी है। और ऐसे हाथी का शिकार करने में कोई दोष नहीं। लगता है वहां कोई मनुष्य है। मनुष्य? हाँ महाराज, हाथी को बाण लगता तो उसकी चिंघार सुनाई देती। ये तो किसी मनुष्य की चीख थी। क्षमा कर दो। तो तुमने मुझे बाण मारा था, क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों मारा मुझे बाण? हमें क्षमा कर दो भाई, हमसे भूल हो गई। हम तो समझे थे कि कोई वनेला हाथी नदी पर जल पी रहा है। अब मैं नहीं बचूंगा। अब मेरे अंधे माता पिता का क्या होगा? उन्हें काशी की यात्रा कौन कराएगा?
उनकी सेवा कौन करेगा? हम करेंगे उनकी सेवा, हम करवाएंगे उनको यात्रा। कहाँ है तुम्हारे माता पिता? यहां से कुछ दूर कांवर में बैठे हैं। मैं उनके लिए नदी से ये जल लेने आया था, कृपया ये जल उन तक पहुंचा दीजिए। पहुंचा देंगे भाई, पहुंचा देंगे। तुम्हारा नाम क्या है? श्रवण कुमार, श्रवण कुमार। मैं अपने माता पिता की एक ही संतान हूं, उनसे कहिएगा मुझे क्षमा कर दें। मैं उनकी तीर्थ यात्रा को बीच में ही छोड़कर जा रहा हूं। महाराज, इसके तो प्राण निकल गए, अब क्या होगा? इस घोर पाप का प्रायश्चित तो हमें करना ही पड़ेगा मंत्री जी, परंतु इसके अंधे माता पिता तक यह दुख समाचार कैसे पहुंचाएंगे? चलिए महाराज, यह कर्तव्य तो हमें निभाना ही होगा। श्रवण की मां, श्रवण ने इतनी देर क्यों लगा दी? वो अभी तक आया क्यों नहीं? मुझे भी इसी बात की चिंता हो रही है आर्य। सुनो, वो आ गया। श्रवण बेटे, इतनी देर कैसे लगा दी? तुम बोलते क्यों नहीं? बाबा, बाबा, ये तो कोई और है, हमारा श्रवण कहाँ है? बाबा, आपका आपका श्रवण श्रवण बाबा, आपका आपका श्रवण मेरे हाथों मारा गया। मेरा श्रवण, मेरा बेटा श्रवण। मैं सत्य कह रहा हूं माते, आपका श्रवण मुझ पापी के हाथों मारा गया। मैंने तो बरेला हाथी समझकर उस पर बाण चलाया, परंतु अंधे शिकारी, तूने मारने से पहले ये भी नहीं देखा कि वो हाथी है या मनुष्य? मानव घाती, तूने श्रवण को मारकर हमारे हृदय पर जो बाण चलाया है, तूने हम अंधों का सहारा छीन लिया। मुझे क्षमा कर दीजिए बाबा। नहीं, तो शिकारी, तेरा अपराध क्षमा योग नहीं है। जहां हम तुझे श्राप देते हैं कि जिस तरह हम अपने पुत्र वियोग में तड़प तड़प के अपने प्राण दे रहे हैं, उसी तरह तू भी अपने पुत्र वियोग में
तड़प तड़प के मरेगा, तड़प तड़प के मरेगा, तड़प तड़प के मरेगा, तड़प तड़प के मरेगा। माते, 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 माते। बाबा, बाबा। अंधों की लाठी गई और असहार रोकर माँ बाप ने दिन हमारे जीवन का सबसे अशुभ दिन है मंत्री जी। अभी तो हमने अपनी संतान का मुंह भी नहीं देखा और हमें पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मरने का शाप भी मिल गया। होनी को कौन टाल सकता है महाराज। अब आप शोक ना कीजिए, इन तीनों का अंतिम संस्कार करना हमारा कर्तव्य है महाराज। हाँ मंत्री जी, आइए। एक संग जले तीन चिताएं, दृश्य हृदय दहला।